राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को खत्म करने के भारत सरकार के फैसले पर पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने आपत्ति जताई थी। अब भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक बार फिर अपनी शॉटगन से उनको चुप करा दिया है। भारत सरकार के इस फैसले पर पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। इसी बीच शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली और संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। ऑलराउंडर ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर कहा, यूएन के संकल्प के अनुसार कश्मीरियों को उनके सभी अधिकार मिलने चाहिए, हमारी तरह उन्हें भी आज़ादी का अधिकार मिलना चाहिए। अफरीदी ने सवाल खड़े करते हुए लिखा, आखिर यूएन को बनाया क्यों गया था और वह सो क्यों रहा है। कश्मीर में बिना किसी उकसाव के मानवता के खिलाफ हिंसा और अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस मामले में मध्यस्थता करते हुए अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। अफरीदी के इस ट्वीट पर गौतम गंभीर ने भी करारा जवाब दिया। गौतम गंभीर ने तंज भरा ट्वीट किया। गंभीर ने अफरीदी को बेटा बुलाते हुए लिखा, वहाँ बिना उकसावे के हमले हो रहे हैं, वहाँ मानवता के खिलाफ अपराध भी हो रहे हैं। इस मुद्दे को सामने लाने के लिए अफरीदी की तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन वह बस एक बात का जिक्र करना भूल गए कि यह सब कुछ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हो रहा है। गंभीर ने अफरीदी को बेटा बुलाते हुए लिखा, चिंता मत करो, हम इसे जल्द सुलझा देंगे। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।